ये गजल मुझे परवीन शाकिर की एक गजल नई जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है जी, हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर जी जी शायरा है। वैसे तो वो डिप्टी कलेक्टर हैं कस्टम में जी 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 और बड़ी अच्छी CSP हैं, वो कर चुकी हैं, तालीम बहुत है उनको। तो ये गजल उनकी मैं पेश करता हूँ। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, कू बकू मीन गली कूचा जी जी, जगह जगह कू बकू फैल गई बात शनासाई की, यानी शनासाई मुलाकात की जी जी। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई, तो राग दरबारी में इत्तफाक से राग दरबारी की रिकॉर्डिंग हो रही थी हमारे रेडियो पाक टेलीविज़न लाहौर से जी। तो ऑर्डर था उसमें ऊपर से इस्लामाबाद से कि इसमें क्लासिकल रंग भी हो, उस दरबारी में गज़ल भी होनी चाहिए, गीत भी होना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि आप कोई गज़ल गा दें दरबारी राग में। अच्छा, तो ये गज़ल इसकी तर्ज बिल्कुल पहले नहीं बनी हुई थी जी। और ये बिल्कुल मैंने फिलवदी मैं गया हूँ और उसी वक्त तर्ज बनाई, बस तर्ज बनती चली गई। मैंने सोच लिया, सोच के मैं स्टेज पे बैठ गया माइक पे, और खास साहब शौकत हुसैन साहब हमारे तबला नवाज है पाकिस्तान के बहुत बड़े, उनको उनसे सिर्फ इसके साथ रिदम लगवाया कि रिदम लगाएं आप। मेरा ख्याल 2-3 मिनट वो रिदम लगाते रहे, मैंने इसको पढ़ता गया और पेश करते गए जहन में। अच्छा, तर्ज मुंतखब होती गई हुई, उसके बाद मैंने साउंड स्टार्ट करवा दिया था और ये फिलवदी मैंने शुरू की थी। तो पेश करता हूँ दरबारी की शक्ल भी थोड़ी सी दिखा दूँ मैं जी, तो बड़ा खतरनाक राग है ये जी, इसके ऊपर नीचे बहुत से राग खड़े हैं दरबारी के साथ ही। दरबारी के साथ जरा सी गलती हो तो वो राग खराब हो जाता है। ये जौनपुरी इसके बिल्कुल सर पे है, एक सुर की चाल खराब हो जाए तो वो दरबारी नहीं रहेगी, जौनपुरी बन जाती है, चाल से ये दरबारी बनती है। इसमें दो सुर आंदोलन है, आंदोलन मीन झूलते हैं, धैवत और गंधार, धैवत और गंधार। हाँ, इसके साथ अगर इसको झुलाया ना जाए तो वो दरबारी गलत हो जाती है। सारे गा, ये सीधा गंधार है, ये दरबारी का नहीं है, ये जो जौनपुरी का हो जाएगा। सारे गा, सारे गा पैदा दिसे जौनपुरी, सारे गम प द पम पम गर गर सारे नीर सन दी सर जौनपुरी है ये, लेकिन अभी इस चाल से दरबारी बनेगी। द सारे गा मरे सारे सारे गा
शब तन्हाई के
Cooper.